हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं? टू पाइप ए एंड बी कैन फील अ सर्टेन इन 3 आवर्स एंड 5 आवर्स रिस्पेक्टिवली, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फील। तो ये पूछ रहा है कि अगर दो टैंक ए और बी हैं, एक साथ दोनों दोनों टैप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो सपोज करो, जैसे ये आपका एक टैंक है, ठीक है बच्चों, आपका एक टैंक है, तो ये टैंक ए है और एक टैंक बी है, टैब बी है सॉरी। दोनों टैब को एक साथ खोल दिया जाता है तो इसको पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है मेरे लाडलो? ये कह रहा है ए कैन फील अ सर्टेन इन 3 आवर्स। तो ए फील करता है कितने आवर्स में? 3 आवर्स में फील करता है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना फील करेगा? 1 आवर में, 1 आवर में ए कितना फील करेगा? ये 1/3 पार्ट फील करेगा। सिंपल सी बात है, 1 आवर में पूरा फील करता है तो 3 आवर में क्या करेगा? 1/3 पार्ट फुल करेगा। दूसरी बी की बात करें तो इसको मैं पूरा लिखता हूँ, समझना, ठीक है। बी कैन फील फुल द टैंक, फुल द टैंक इन हाउ मेनी आवर्स? तो ये लेता है 5 आवर्स। तो बी कैन, बी कैन फील द टैंक, फील द टैंक इन 1 आवर। तो 1 आवर में कितना करेगा? 1/5 पार्ट वर्क करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये पूछ रहे कितने देर में अगर दोनों टैब को एक साथ ओपन किया जाए, मतलब इसको भी ओपन कर दिया जाए और इसको भी ओपन कर दिया जाए, तो दोनों ही टैब कितने देर में पानी को भर पाएंगे? बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों। तो दे वर्क टुगेदर, दे टेक टाइम, टेक टाइम टू फील द टैंक, फील द टैंक इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फील करेंगे? तो एक ए ने 1 आवर में कितना किया? 1/3 किया। बी ने 1 आवर में कितना किया? 1/5 किया। तो दोनों को साथ में खोला गया तो 1 घंटे ये चला, 1 घंटे ये चला, दोनों साथ में 1 घंटे चले, 1 आवर दोनों चले, तो कितना फील करेंगे? नॉर्मल सी बात है, इन दोनों का ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 + 3/15, है ना। इन दोनों का बच्चों क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, ठीक, और इनका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आ गया कितना आ गया, देखो ये आ जाएगा 8/15 आर, सॉरी पार्ट, इतना पार्ट ये फील करते हैं। यहाँ लिखेंगे 8/15 पार्ट फील करने में इनको टाइम लगा कितना? 1 आर। तो 1 पार्ट फील करने में, मतलब पूरा पूरा फील करने में कितना टाइम लगेगा? बस इसी का उल्टा हो जाता है बच्चों, ये हो जाएगा 15 होल 8 आर, ठीक। तो चाहे तो डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 1 होल 8 to the 16 हो जाता है, तो 7/8 आवर्स। ये तो लॉन्ग मेथड रहा। अगर इसके ट्रिक की बात करें बच्चों, तो इसका जो ट्रिक है वो ये है। ट्रिक क्या हो जाएगा इसका? ट्रिक हो जाएगा एक्स इंटू वाई अपॉन x+y r। ट्रिक इसका ये है, कितना टाइम लगेगा? इसको टाइम लगेगा एक्स इंटू वाई अपॉन x+y r, ठीक है बच्चों। तो ये इसका ट्रिक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा कहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है? 3 है, इंटू y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है आपकी 5, और इन दोनों का सम तो 3+5 r। तो ये कितना हो गया मेरे लाड लो? 15/8 आवर्स, ठीक है, वही आ गया। तो ट्रिक से करना चाहो तो ट्रिक से कर लो, अदरवाइज आपके पास सोल्यूशन पड़ा है, आप उससे भी कर सकते हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बच्चों।